नमस्ते दोस्तों, आज इडियगास्कर आपके लिए लाया है एक और शॉर्ट स्टोरी। इस बार हम आपको कमलेश्वर द्वारा रचित एक कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी का शीर्षक है एक अश्लील कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नग्नता में भयानक आकर्षण होता है, उससे आदमी की सौंदर्य वृत्ति की कितनी संतुष्टि होती है और कैसे होती है, यह बात बड़े दुखद रूप में एक दिन स्पष्ट हो ही गई। अनावृत शरीर से न जाने कैसी किरणें फूटती हैं, कैसा उल्लास और कैसी तृप्ति उसमें होती है। एक एक रेखा का बांकपन नया नया लगता है। खुला हुआ तन दूर ही सही, पर उसके रोम रोम में बसी हजारों लाखों आंखें बरबस अपनी ओर खींचती हैं। दिन भर के थके हारे कदम और रात भर अपनी विविशताओं के विचारों से टूटा हुआ मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। सब मजबूरियों के ख्याल उस क्षण न जाने कहां दुबक जाते हैं। वैसा सम्मोहन, वैसी मुग्धता और प्यास कभी महसूस ही नहीं की। रूप की अनुभूति इस तरह घेर लेती है कि न आंखें मूंदते बनता है न खोलते ही। मैंने उसे ऐसी ही विमुग्ध स्थिति में अनवरत खड़े देखा है। जब वो उस प्यास से जलता होता, तब न उसके चेहरे पर तमतमाहट होती न पशुता, बस वो देखता खड़ा रहता। कुछ देर बाद वो अपनी आँखों को बड़े जोर से मलता और वैसी ही उन पर गदेलियां रखे अपने बिस्तर पर आकर बैठ या लेट जाता। अपनी बर्बादी और मुसीबतों की बातें वो सिर्फ शाम को ही करता है। सुबह आँख खुलने के बाद उसके मन की बेचैनी और छटपटाहट सिर्फ महसूस की जा सकती है। सुबह वो ज्यादा बात भी नहीं करता, बात करता भी है तो चार चार पाँच पाँच मिनट बाद, जैसे उसे किसी की याद आती रहती है। उसकी सब बातें अधूरी रह जाती हैं, यहाँ तक कि नौकरी की भी। सुबह 9 बजे तक का समय बिल्कुल उसका अपना नहीं होता। वो कमरे से बाहर नहीं जाता। कोई मिलने आ जाए तो मुझसे मना करवा देता है। एकाध बार मैंने कहा भी, क्यों चंद्रनाथ, मान लो वो तुम्हारी नौकरी के लिए कोई संदेशा लेकर आया हो तब। मैं 10 बजे उससे जाकर खुद मिल लूंगा, चंद्रनाथ सहज ही कह देता। इतनी सी देर में क्या बना बिगड़ा जाता है। लेकिन तुम्हें मैं कुछ भी आगे बोलने को होता तो वो संकोच में पड़ जाता और बड़ी बोधी दलील पेश करता। कुछ थोड़ा सा वक्त मेरा अपना भी होना चाहिए। दिन दिन भर खाक छानता हूँ, रात रात भर दौड़ता रह जाता हूँ तो कुछ देर अकेले बैठने को मन करता है। तुम तो जानते हो कि मैं इस वक्त, कहते कहते उसे अपनी बात झूठी लगने लगती, पर जिस बात के लिए आदमी मन से बेबस होता है उसके लिए वो बेशर्मी भी लाद लेता है। ऐसा नहीं कि उसे इस बात का एहसास न हो कि मैं उसकी हरकतें नहीं जानता। पहले वो तरह तरह के बहाने बनाकर खिड़की के पास खड़ा होता था, अब खुलेआम खड़ा होने लगा है और इस तरह खड़ा होता है कि यह बात उसकी अपनी और नितांत वैयक्तिक है। इसमें हस्तक्षेप करने का साहस किसी को नहीं होना चाहिए। औरतों और अफसरों के संबंध में चंद्रनाथ के एक से विचार थे, पर जब वो कुंती को देखता, हाँ, सामने वाले मकान में रहने वाली उस सुंदर सी औरत का नाम कुंती ही है, लेकिन आपको उसके नाम से क्या मतलब। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कुंती की उम्र लगभग 30 वर्ष है, रंग गोरा ही नहीं, उसके गोरेपन में रेशम सी आभा है, आँखों की पुतलियाँ बेहद काली हैं और बालों के सिरे भूरे। उसके घर का जितना हिस्सा इस 2 मंजिले पर बने कमरे से दिखाई पड़ता है, उसकी सजावट में बड़ी सुरुचि है। घर देखकर उसके जीवन के सुख से सहज ही किसी को ईर्ष्या हो सकती है। नीले पर्दों के पीछे सजे वे कमरे बड़े रहस्यमय लगते हैं। रात को जब उनमें रोशनी होती है और कुंती अपनी साड़ी का पल्ला कमर से लपेटे कभी उन पर्दों के पीछे से गुजरती है तो उसकी समतल चाल से फर्श पर कालीन बिछे होने का बोध होता है। वो कभी संतप्त या व्याकुल नहीं दिखाई दी। उसने कभी नजर उठाकर इधर उधर वहशी निगाहों से किसी को देखा हो, ऐसा भी नहीं हुआ। उसके मन में कभी बादल घुमड़े हो और बरसने से पहले की उदासी ही छाए हो, यह भी नहीं दिखाई दिया। इस खिड़की से उसके घर का नक्शा ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी सुरंग में बसे मकान के कटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे हों। यहाँ से इन ऊपर वाले कमरों के अलावा नीचे गुस्लखाना, आंगन का थोड़ा सा भाग, 3/4 बरामदा और बरामदे के भीतर वाले कमरे का वो हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसमें श्रृंगार मेज रखी है। सुबह वो यहीं दिखाई पड़ती है, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद वो भीतर वाले उन रहस्यमय कमरों में खो जाती है। घर में 2 पुरुष दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक उसका पति है और एक सौतेला लड़का, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। कुंती के पति छोटे मोटे रईस हैं। उन्हें कपड़े पहनने और ढह से रहने का शौक है।
इस घर में कभी दंगा लड़ाई या मनमुटाव की छाया तक नहीं दिखाई दी। छोटे से गिरजे की तरह ईश्वरीय शांति यहाँ फैली थी और ये तीनों ही प्राणी मिशनरियों की तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे नजर आते थे। इन कमरों से कभी ऊंची आवाज, उन्मत कहकहे या विलासपूर्ण जीवन की गुनगुनाहट भी नहीं सुनाई दी, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। यह पता नहीं था कोई भी घटना इतने अप्रत्याशित रूप से सामने आएगी, इसका एहसास नहीं था। कुंती आत्मलीना थी। जब वह गुस्लखाने में नहाने जाती या वहाँ से निकलती तो अपने में लीन रहती। उसे इस बात का ज्ञान तक न होता कि कई खिड़कियों की आंखें उसे घूरती हैं या किसी दूसरे मकान की छत पर भी कोई हो सकता है। पता नहीं किस दिन चंद्रनाथ ने उसे ऐसी स्थिति में देख लिया कि तब से उसका कार्यक्रम ही बदल गया। पहले वो सुबह 7 बजे ही एक प्याला चाय खुद पीकर और मुझे पिलाकर काम की तलाश में निकल जाता था और शाम गए लौटता था। खिड़की के पास उसके अटकाव को मैं तब जान पाया जब उसने 7 बजे की बजाय 10 बजे जाना शुरू किया और एक दिन जब वो मित्र मंडली में खुलकर बोला। ये अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है। हम 3-4 दोस्त यूं ही सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। शाम का समय था। सिविल लाइंस की सड़कों पर निर्द्वंद्व और आदमी औरतों का सैलाब उमड़ आया था। वैसे उस समय बात इराक की कांति पर चल रही थी और किशन कर्नल नासिर के संबंध में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जैसे इराक में राज्य कांति की योजना कर्नल नासिर ने उसके साथ बैठकर बनाई हो। इतने में एक सजी बजी महिला पास से गुजर गई और चंद्रनाथ ने शैतानी से लंबी आह भरी। वर्मा ने बड़ी हिकारत से चंद्रनाथ की इस हरकत को नामंजूर किया। यह बदतमीजी है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। चंद्रनाथ एकाएक तिलमिला उठा। मतलब क्या है आपका? मैं अगर शरीफजादा नहीं हूँ तो ये भी शरीफ जादिया नहीं है, समझे आप? ये लोग यही चाहती हैं कि कोई इन्हें देखे और फबतियाँ कसे। इससे इनका अहा संतुष्ट होता है और इन्हें अपनी खूबसूरती पर गर्व होता है। यह बकवास है, वर्मा ने अपनी पेटी ऊपर सरकाते हुए कहा। सुंदर बनने और सुंदर दिखने की इच्छा किसमें नहीं होती? इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया की सभी औरतें ऐसी औरतें जो अपने रूप को संवार कर रखती है चरित्रहीन हैं और वे आपकी निगाहों की मोहताज हैं। उनके पास उनके आदमी हैं, उनके रूप और यौवन को सराहने वाले मन और आंखें हैं। यही तो नहीं है, चंद्रनाथ ने तेजी से कहा। यही उनके पास नहीं है, उनकी प्यास के लिए पानी नहीं है। वो और भी तेज हो आया था। मैं पूछता हूँ, इन औरतों का काम क्या है? भरे हुए घरों में यह रह नहीं सकती। शादी से पहले अलग घर के सपने इनके दिमाग में मदराने लगते हैं। शादी के बाद ये बच्चे पैदा करने से कतराती हैं। नौकरी इनसे हो नहीं सकती, घर का काम ये कर नहीं सकती। आखिर ये करना क्या चाहती हैं? इनकी जिंदगियां किस लिए हैं? इनके सामने कौन सा आदर्श है जिसके लिए ये जीना चाहती हैं? जीने वाली बात बहुत सीधी है, बिशन ने कहा। हर आदमी जीना चाहता है, पेड़ों की जड़ें और मिट्टी खाकर जीना चाहता है। रही जिंदगी में आदर्श की बात, सो भाई, जीने के लिए जीना छोटा आदर्श नहीं है, कहते कहते वो हंस पड़ा। वर्मा भीतर भीतर छटपटा रहा था। बिशन की हंसी ने उसका पारा और भी चढ़ा दिया। रुमाल से मुंह पोंछ कर बोला, मतलब तुम्हारा यह है कि ये सब औरतें बेकार जी रही हैं, इनके लिए वासना और ऐश्वर्य ही सब कुछ है, यानी ये चरित्रहीन है। जी, चंद्रनाथ ने व्यंग्य से कहा। एक एक बात कागज पर नोट कर लीजिए, तब बात कीजिए। यह कसूर उनका नहीं, तुम लोगों की भूखी आंखों का है, वर्मा बोला तो चंद्रनाथ ने बड़ी हिकारत से कहा, अभी आपने औरत की भूखी आंखें देखी नहीं है, एक बार देख लीजिए तो पसीना छूट जाएगा पसीना। इनका यह श्रृंगार उसी भूख की खामोश आवाज है। आखिर इस बनने ठन्ने का मतलब क्या है? ये औरतें सिर्फ आदमी के लिए बनती संवरती हैं। क्या जरूरत है कि आप साज संवर कर शाम को ही निकलें और ऐसी जगहों में आएं जहां हजार निगाहें हों? इन्हें बेवक्त घरों में जाकर देखिए, मसली हुई साड़ियां, फीके होंठ और रूखे बाल। सौंदर्य प्रियता का यह मतलब नहीं कि शाम 4 बजे आपका वो जुनून जागे। बोलते बोलते चंद्रनाथ हकलाने लगा था और उसके मुंह से शब्द साफ नहीं निकल पा रहे थे। राह चलते कुछ आदमियों का ध्यान इधर खींच आया था। वर्मा बड़ी दबस्ट में फंस गया था। उसे इस तरह गर्मागर्म तर्क करना भी बुरा लग रहा था और चुप रह जाना उसे स्वीकार नहीं था। कॉफी हाउस के पास चंद्रनाथ की बांह पकड़कर ले जाते हुए वह बोला, यहाँ सड़क पर मत चीखो, आओ बैठकर बातें होंगी, आओ।
बातचीत के उसी तूफान में हम लोग कॉफी हाउस की एक मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। चंद्रनाथ सचमुच बहुत भरा हुआ था। यह तुम्हारी आदत है वर्मा, एक न एक बात तुम ऐसी शुरू कर देते हो जिस पर गुस्सा आता है। सारी दुनिया के दीन ईमान भलमनसाहत और अच्छाई का ठेका तुमने जबरदस्ती ले रखा है। तुम्हें दुनिया में सब आदमी बुरे नजर आते हैं। तभी कॉफी आ गई और बात बदल गई, पर चंद्रनाथ उसे फिर खींच लाया। हाँ वर्मा साहब, अब कहिए क्या कहना चाहते हैं। कुछ नहीं यार, पर तुम्हारा यह रुख देखकर बुरा लगता है। और क्या है, वर्मा ने टालने के लहजे में कहा। मुझे ऐसी औरतों से चिढ़ है, ये खोखली हैं। इन्हें दुनिया में सिर्फ आदमी की बाहें चाहिए। मरी हुई आत्माओं की ये लाशें बदबू करती हैं। इन्होंने नौजवानों को रास्तों से उतारकर गंदी खाइयों में फेंक दिया है। हताश और भटकते हुए आदमियों के बचे खुचे आदर्श और महत्वाकांक्षाएं इन सड़ी हुई औरतों ने छीन ली हैं। इन्हें गुमराह किया है। चंद्रनाथ का हाथ मेज पर कांप रहा था। चोट खा गया है भाई, लड़का चोट खा गया है कहीं, बिशन ने वातावरण हल्का करना चाहा। पर चंद्रनाथ पर जैसे भूत सवार था। इस फवती को नकारते हुए वो वर्मा की ओर ताकते हुए बोला, और आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्हें जाकर समझाइए जो 4 बजे से मेकअप करते करते शाम को 6 बजे सिर्फ इसीलिए निकलती हैं। इनके प्रति श्रद्धा तब हो जब हम इन्हें खेतों में काम करते देखें, इंजनों को चलाते देखें, फैक्ट्रियों में खटते देखें, बिजली घरों में पसीना बहाते देखें। हम इन्हें काम में लवलीन देखें, रंगे हुए नाखून, पुते हुए होंठ, खुले हुए पेट और आँख में कागल की लकीरें इस बात का बुलावा है कि इन्हें श्रद्धा की नहीं सिर्फ वासना की नज़र से देखो। और आप मुझसे नैतिकता की बात करते हैं। अपने दिमाग के खलल के कारण मैं हर बात को दार्शनिकता का पुर देकर गंभीर बना देने के लिए मजबूत हूँ। इस बीच में गूंगा था, अब एक सूत्र हाथ आया तो मैं बोल ही पड़ा। नैतिकता या सहज संयम व्यक्ति के हाथों के बाहर है। सामाजिक और वैयक्तिक आचरण के स्तर आदमी ने समाज के संदर्भ में बनाए हैं। और हमेशा की तरह मैं अपनी ही बात में उलझ गया। पता नहीं क्या हो जाता है कि सोचता हूँ तब सब साफ साफ दिमाग में होता है और बोलते ही साफ बात भी उलझ जाती है। और मैं यह महसूस करता हूँ कि जो कहना चाहता था वो नहीं कह पाया। ऐसे मौकों पर बिशन नहीं चूकता। मेरी बात को बड़ी व्यंग्यपूर्ण मुद्रा से सुनते हुए उसने कहा, हाँ भाई, अब गीता प्रवचन आरंभ हुआ, अर्जुन सुनो। और उसने चंद्रनाथ की बांह हिलाकर मेरी ओर मुखातिब कर दिया। आप भी कहिए, चंद्रनाथ ने मुझसे कहा। ऐसे में मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है, पर चुप रहकर अपनी मजबूरी या बेवकूफी का प्रदर्शन करूं यह बर्दाश्त नहीं होता। अपने को बहुत संभालते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि, विशन ने बात काटी, पहले मतलब समझा दीजिए, बात बाद में सुनाइएगा। बोलो बोलो, चंद्रनाथ बात करने के मूड में था। बड़े साहस से फिर मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि सभी नैतिकताओं का जन्म समाज में हुआ है। नैतिकता की भावना ही समाज ने दी है। आदमी अकेले में घोर अनैतिक है। बात तो मैंने कह दी, पर मैं इसे किस जगह फिट करना चाहता था या कौन सा निष्कर्ष निकालना चाहता था यह मेरी समझ के बाहर हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं, किशन ने प्याला सरकाकर मुझसे लोहा लेने के अंदाज में कहा। यह तो कुछ इस तरह की बात हुई कि 4 दोस्त साहित्य या कला के बारे में बात कर रहे हों और आप उसी गंभीरता से कहें, मुझे आलू की सब्जी पसंद है। नैतिकता के ऊपर आखिर आप क्या प्रवचन देना चाहते हैं, साफ साफ कहिए, उसका सिरा किसी तरफ जोड़िए, ये बेसिर पैर की क्या बात हुई। अच्छा पस निकालिए और आज का बिल पे कीजिए। मैं चुप ही बैठा रहा। वर्मा ने फिर बात शुरू कर दी। ये कह रहे थे कि जहाँ 4 आदमी होते हैं वहाँ सब पर लगाम लगी रहती है, पर अकेले में हर आदमी लगाम छुड़ाकर भाग खड़ा होता है। क्यों, है ना, वर्मा ने मेरी ओर ताका। ये निष्कर्षवादी आदमी है, बिशन बोला। आप कह डालिए जो भी कहना हो, वर्मा साहब ने मेरी बात कह दी। मैंने कहा तो चंद्रनाथ ने पानी का घूंट लेते हुए मुंह बिगाड़ा, बोला, नैतिकता आदमी की अपनी चीज है, उसका समाज से कोई संबंध नहीं। आदमी नैतिक या अनैतिक होता है, पतित या महान होता है, समाज नहीं। लेकिन जीवन के सब अच्छे मूल्य, जिनमें नैतिकता ही एक है, समाज में जन्म लेते हैं। मैं अपनी बात साफ करना चाहता था। समूह के बोध के साथ ही अच्छी जिंदगी के लिए नियम बनाए गए। उन नियमों का उपयोग भी समूह में ही है, अकेले आदमी के लिए वे व्यर्थ हैं। जरूरत ही नहीं उनकी।
मेरा मतलब, मैं फिर उलझ गया था। इसी को हरा लो भाई। बिशन ने मेरी ओर इशारा किया। हारेगा तो पे करेगा। शायद मेरी रूखी बात से सबका मन उचर चुका था। चंद्रनाथ शांत हो चुका था और वर्मा संतुष्ट तो नहीं था पर चुप जरूर था। बिशन को बराबर मजाक सूझ रहा था। मेज पर बड़ी उदास खामोशी सी छा गई थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि यह बेकार की बहस और व्यर्थ की बातें क्या कर पाएंगी। चारों जने एक दूसरे से नहीं, अपने से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। हमारी मंडली में अक्सर ऐसा होता था। चंद्रनाथ ऐसी बहसों के बाद बहुत घुटा घुटा महसूस करता था। उस दिन वो पूरे रास्ते गुमसुम सा घर तक आया। शायद उसे सुबह का इंतजार था। कुंती के घर की ओर चंद्रनाथ का आकर्षण बढ़ता ही गया और उस दिन से चंद्रनाथ की हरकतें और भी खुलती गईं। मैंने देखा वो डायरी लिखने लगा था। एक दिन चोरी से मैंने उसकी डायरी निकाल कर पढ़ी। कुछ पन्नों पर पहले की लिखी इबारत थी जिसमें खर्च इत्यादि का वृतांत था। कुछ कोरे पन्नों के बाद जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर रोमांच हो आया, साथ ही गुस्सा भी आया और दुहक भी हुआ। 20-25 पृष्ठ निहायत गंदे वर्णों से भरे थे जिनमें कुंती के अंग प्रत्यंग का विशद खाका खींचा गया था। कहीं मन को अकुलाहट थी तो कहीं खींच, लेकिन उसमें सब साफ साफ और खुलकर लिखा गया था। जो उपमाएं और प्रतीक उसने इस्तेमाल किए थे वे किसी भी तरह रीति ग्रंथों की परंपरा से हेठे नहीं थे। चंद्रनाथ के मन का उबाल और उसकी पार्श्व की इच्छाओं के वे उद्गार सचमुच भयंकर थे। उस दिन से मुझे थोड़ा खौफ भी लगने लगा था। किसी भी आदमी का क्या पता, कहीं यह कुछ ऐसा वैसा न कर डाले। इस शरीफ मोहल्ले में रहने लायक नहीं रह जाऊंगा। और तब से वो निर्द्वंद्व भाव से कुंती के घर की ओर ताका करता है जिसके पत्थर के खम्भों की नक्काशी और तराश, फर्श पर रंग बिरंगे टाइल्स की डिजाइनें और बरामदे की कॉनिस पर बने बेल बूटों से सामती घराने का एहसास होता था। कुंती का पति अधिकतर घर से बाहर रहता था। फिनले की महीन धोती, काला चमचमाता हुआ पतली टोका पंप जूता और चुन्नट पड़ा हुआ कुर्ता पहनकर वो निकल जाता था। वो शायद अपने किसी दोस्त के घर ही सारा समय गुजारता था। वो जुआ खेलने का शौकीन था और जब हार कर आता तो उंगलियों के बीच में सिगरेट दबाए मुट्ठी बांधकर बड़े लंबे कश खींचता। उसकी धोती की कांच ढीली होकर झूलती होती। उसका सौतेला लड़का इन सब बातों की ओर से उदासीन था और कुंती निश्चिंत सी अपना दिन शुरू करती। वो आत्मलीना कुंती चंद्रनाथ का एक कार्यक्रम बन गई थी। रोज सुबह 8 बजे के करीब वो गुस्लखाने में जाती और 10-12 मिनट बाद नहाकर निकल जाती। उन्हीं भीगे कपड़ों में वो बरामदे में पड़े तख्त पर खड़ी होती और बड़े ही भूले भूले ढंग से, बिल्कुल बेफिक्र होकर एक एक कपड़ा उतारती जाती। चंद्रनाथ सांस रोके वहीं खिड़की पर खड़ा होता। कपड़े उतारकर वो अपने अंग प्रत्यंग को बड़े चाव और गौर से देखती। बड़े इत्मीनान से वो तौलिया से पानी सुखाती और उसी अवस्था में भीतर श्रृंगार मेज पर चली जाती। चंद्रनाथ की एकाध बहुत गहरी सांसें सुनाई पड़ती और उसका अंग अंग थिरकता होता। वो पैर बदल बदल कर खड़ा होता, सूखे गले को थूक निगल निगल कर तर करता और जब तक कुंती अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से ओझल न हो जाती वो अपलक उधर ताकता रहता। उसके जाते ही वो हथेलियों से आंखें रगड़ता और वैसे ही आंखें मूंदे हुए अपनी खाट पर गिरता। अनजाने ही कुंती उसके अस्तित्व पर छाती जा रही थी। हमारे कमरे में जैसे वो हर समय उपस्थित रहती। कभी कभी लगता कि कुंती अपने घर में बड़ी उदास और क्लांत है, जैसे उसने अपना मुंह सी रखा है और अब उसने अपनी समस्त आत्म चेतना अपने शरीर पर केंद्रित कर रखी है। हर रोज नहाने के बाद वो अधिक आत्मलीन दिखाई पड़ती, जैसे वो अपने शरीर के रोम रोम में पानी देती हो और प्रतिदिन उत्सुकता से अपने विकास को निहारती हो। बड़े ही हल्के हाथ से वो शरीर पोंछती, तन के एक एक अंग को सहेज सहेज कर रखती। शायद उसका तन किसी की प्रतीक्षा में हो, शायद उसने किसी को वचन दिया हो कि यह ढलने नहीं पाएगा, मैं तन मन से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जैसा छोड़कर जा रहे हो वैसा ही पाओगे, एक रोम तक इधर से उधर नहीं होगा। जिस तन्मयता और एकाग्र भाव से वो यह सब करती उसमें न जाने ऐसी कौन सी बात थी कि मन छटपटाने लगता था। श्रृंगार मेज पर खड़ी होकर वो सारे शरीर पर पाउडर छिड़कती और एक एक मोर को ध्यान से देखती। कपड़े पहनते ही उसकी यह तन्मयता समाप्त हो जाती थी, वो एकदम कोई दूसरी औरत हो जाती। कभी कभी वो शीशे के सामने खड़े होकर बाल सहवारते हुए 3-4 बालों को पकड़कर उनमें से एक तोड़कर पल भर देखती और फेंक देती।
निश्चय ही वो सफेद बाल होता होगा, सचमुच तब उसे कितनी ठेस लगती होगी। उस क्षण उसके मन में कैसी बेबसी व्याप्ती होगी, उसके मुख पर क्या क्या भाव आते जाते होंगे, यह काफी स्पष्ट न हो पाया। शायद उसकी आंखों की कोराएं गीली हो आई हो या एक बहुत गहरी सांस ही निकली हो, पर दीवारों की वो दूरी न उन भीगी आंखों को देखने देती थी, न पीड़ा से भरी वो आवाज ही इस पार आ पाती थी। चंद्रनाथ में इधर बहुत अंतर आ गया था। अनजाने ही वो कुंती के पति की आलोचना करने लगता, वो जुआरी है, सुबह से रात तक जुआ खेलता है और जाने कितने ऐब उसमें होंगे, पीता होगा, कभी पत्नी से ठीक तरह बात करते नहीं देखा, मुझे तो शक होता है कि यह उसकी बीवी है भी या नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैंने कहा तो चंद्रनाथ के चेहरे पर वह सी चमक बिखर गई। अपने हाथ से माथे के बाल झटके से हटाते हुए बोला, मैं इस औरत को लेकर भाग जाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गया। एक क्षण बाद मैंने स्थिति को भांपने के लिए पूछा, कभी मिलना जुलना हुआ कि बस यूं ही, मिलने जुलने की कौन सी जरूरत है, कहते हुए वो उठकर टहलने लगा। उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, न देखे, पर मैं एक दिन इसे डाकुओं की तरह घर से उठा ले जाऊंगा। किसी औरत को यह हक नहीं कि वो अपनी जिंदगी यूं ही खराब कर दे, जो उसे पाना चाहिए उसे वो नकार दे। इससे तुम्हें क्या, वो क्या पाती है क्या नहीं, यह तुम्हारा मसला नहीं है। हर आदमी अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। ये सब बेकार बातें हैं, मुझे तुम लोग सीख मत दिया करो। वो मुझे नहीं चाहेगी, न सही, वो मेरी नहीं होगी, न सही, पर जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, पुलिस में दे देगी बस, वो अपने से कह रहा था और उसके हाव भाव और चेष्टाओं में भीषण और असुंदर संकेत उभरते जा रहे थे। उससे ज्यादा बात करने का मतलब होता शालीनता की सीमा से बाहर चला जाना। अभी वो बहुत लगाम लगाकर बात कर रहा था, किस क्षण उसके भीतर की दबी हुई गंदगी फूट पड़ेगी यह कहना कठिन था। फिर भी उसने बुदबुदाने के अंदाज में कुछ बहुत ही अशोभन और कुत्सित बातें कह डाली, जो उसकी जबान से नहीं निकल पाई वे हाथों के इशारों से प्रकट हो गई। दोनों मुठियां बांधे और दांत भींचे हुए वो कठोर कदमों से कमरे में पागल जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी समस्त इंद्रियां केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित थीं, कुंती, हार मास की कुंती। उसकी कनपटियां रह रहकर तमक रही थीं और बालों के नीचे माथे पर पसीने का गीलापन चमक रहा था। चक्कर काटते हुए जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ती तो उसके व्यक्तित्व की भयानकता और भी बढ़ जाती। उस रात वो बहुत परेशान रहा। खाट पर पड़े पड़े उसकी नसें फटती रहीं और वो करवटें बदलता रहा। सुबह उसका चेहरा फूला फूला और मुख पर बेहद सूखापन था। आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। नाखूनों की किनारियों पर सफेदी की लकीरें थीं। लगता था कि वो किसी लंबे सफर से लौटा है। मुंह धोने के बाद उसके चेहरे की खुश्की और बढ़ गई थी। बार बार वो जीभ फेरकर अपने सूखे हुए होंठों को तर कर रहा था। सिर्फ पैंट पर पेटी बांध कर वो 7:30 बजे से खिड़की पर खड़ा था। हाथ में पेंसिल थी जिसे वो ब्लेड से लगातार काटता जा रहा था। घोर अकुलाहट से भरा वो दिन तो घटनाहीन बीत गया, पर उसके बाद वो और भी परेशान नजर आने लगा। उसके शरीर की स्फूर्ति और आंखों की बुद्धिमत्तापूर्ण चमक लुप्त हो गई थी। उन आंखों में जैसे पशुता भरी मूर्ता और जंगलीपन समा गया था। उसका सुंदर चेहरा बिगड़ गया था। रात को वो गहरी नींद सोने का आदि था। वो नींद कहीं दूर उड़ गई थी। एकाएक चौंक कर वो जाग जाता और काफी देर तक कमरे में चक्कर काटता रहता। अभी तक वो अपने कपड़े लापरवाही से इधर उधर अलमारी के कोनों या बक्सों पर लटका या फेंक दिया करता था। अब वे कोने में रखे होल्डॉल की जेबों में रखे जाने लगे। वो अपने पहने हुए कपड़े बहुत एहतियात से छिपा कर रखता। रात में अचानक कभी उठता तो चोरों की तरह मुझ पर निगाह डालता। बड़े साथ साथ कर कदम रखकर अपने बक्स के पास पहुंचता, आहिस्ता से उसे खोलता और पैजामा बदलकर फिर लेट जाता। पंजों के बल चलकर वो पहना हुआ पैजामा कहीं इधर उधर संभाल कर रख दिया करता था। अपने कपड़े भी उसने मेरे धोबी को देना बंद कर दिए थे। एक अखबार में सारे कपड़े लपेटकर वो हर हफ्ते नई वॉशिंग कंपनियों में दे आता। उसकी बातों की वो तेजी और चाल की अलहर स्वाधीनता खो गई थी। सुबह खाट पर पड़े पड़े वो अंगड़ाइयां लेता, शालत और थके कदमों से उठकर इधर उधर के काम करता। इतवार के दिन अकस्मात कुंती के घर में कुछ हलचल दिखाई दी। चंद्रनाथ सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक खिड़की की दरार से आंखें फाड़े देखता रहा।
पर वो नहाने नहीं आई। धीरे धीरे जब वो एकदम हताश हो गया तो मेरे पास आकर बोला, सामने वाले घर में कोई बात हो गई। क्या बात हो सकती है? क्यों, वो नहीं आई आज? मैंने पूछा तो उत्तर में चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर न कर दिया। आज उसका आदमी घर पर है शायद, मैंने बात को रेडनी चाही। अपनी खिड़की के पल्ले खोलते हुए चंद्रनाथ बोला, शायद है। देखो आज ऊपर वाले कमरे भी बंद पड़े हैं, खिड़कियां तक नहीं खुली। कोई बात जरूर है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है वो बीमार हो। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुमने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें नहीं सुनी? मैंने ध्यान नहीं दिया। उधर वाली गली में एक टैक्सी आकर रुकी थी, शायद किसी के जाने के लिए बुलाई गई थी। आधा घंटा रुककर टैक्सी खाली ही वापस चली गई। उसका आदमी घर से निकला था। टैक्सी वाले खड़े होने के कुछ पैसे देकर वो तेजी से घर में लौट गया था। चंद्रनाथ चिंतापूर्ण ढंग से सब बातें बता रहा था। एक बार ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की गई, पर उसके पति ने झटके से उसे बंद कर चिटनी चढ़ा दी। आखिर खिड़की क्यों नहीं खोलने दी गई? अब मैं क्या बताऊं? कुछ खींचते हुए मैंने कहा। चंद्रनाथ ने मेरी खींच पर ध्यान न देते हुए बात जारी रखी। कुछ तेज तेज बातें भी हुई हैं। कुंती की आवाज मैंने सुनी, पर वो कह क्या रही थी नहीं समझ पाया। कोई बात है जरूर, कहकर वो चिंतातुर सा कमरे में चक्कर काटता रहा। हमारी यह बात हो ही रही थी कि कुंती के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था। बंद कमरे में उसकी और उसके पति की आवाजें गूंज रही थी। गिरजे सा शांत वो घर अचानक कोलाहल से भर गया था। शायद कुंती ने खिड़कियां खोलने की कोशिश की थी, तभी उसके पति की आवाज सुनाई पड़ी। मोहल्ले वालों को सुनाना चाहती है, समझती है मेरी इज्जत खराब कर लेगी। हट 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 यहाँ से। और खिड़की के बंद होते ही वो आवाजें फिर घुर गई थी, जैसे किसी ने तेज बजते रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर कुंती की एक भयंकर चीख सुनाई दी। अब उसकी काफी ऊंची आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं नहीं रहूंगी, अभी तेरी पोल खोलूंगी, तेरी एक एक बात दुनिया को सुनाऊंगी, तेरी। उसकी आवाज भर्रा कर रुक गई थी। तुझे रोकता कौन है? तू जा, चली जा, जहाँ जाना हो, पर शरीफ की बीवी है, शराफ्त से जा। अब शराफ्त का कौन सा सवाल रह गया? मैं नहीं समझती थी कि तू इतना जलील है, तू औरत पर हाथ उठा सकता है, वो चीख रही थी। चंद्रनाथ के नथुने फूल आए थे। वो अपनी जगह खड़ा खड़ा कसमसा रहा था। उसके चेहरे पर खून छलछला आया था। उस शरीर के साथ ऐसी बेरहमी, उस संगमरमर के शरीर से भी कोई इस जंगलीपन से पेश आ सकता है? उफ, न जाने कहां कहां पर मारा होगा उसने। जिन तन से किरणें फूटती हैं और जो बदन अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है, जिसके पोपो को धीरे धीरे छूने के लिए मन ललकता है, जिसे बाहों में घेर कर बेसुध हो जाने को मन करता है, वो केले सा शरीर उस पर इतना अत्याचार, ऐसी अमानुषिकता। अपनी आस्तीने चढ़ाता हुआ वो बोला, आओ चलकर देखे जरा उस बदमाश को। हम जाकर क्या कर लेंगे? दरवाजे बंद हैं, मैंने जवाब दिया। दरवाजा तोड़कर नहीं घुसा जा सकता? आओ, वो बोला, नादानी नहीं करते, समझे? यह उनकी आपसी लड़ाई है, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। वो उसी आदमी की गोद में सिर छिपा लेगी और वही आदमी उसे फिर प्यार करेगा, समझे? मैंने कहा तो चंद्रनाथ को बहुत बुरा मालूम हुआ। वो मेरे कथन की चित्रात्मक स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके भिंचे हुए होंठ से लगता था कि यदि कुंती ने उस आदमी की गोद में सिर छिपा लिया और उसने कुंती को फिर प्यार किया तो अब चंद्रनाथ नहीं करने देगा। वो कुंती को उसकी गोद से निकाल कर फेंक देगा, वो उन्हें साथ नहीं रहने देगा। वो उस पर अब किसी का अधिकार सहन नहीं कर पाएगा, उस शरीर पर किसी का कैसा भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक क्षण कुछ सोचने के बाद वो धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, होने दो लड़ाई, खूब होने दो, यहाँ तक हो कि वो उसे घर से निकाल दे। फिर वो जहाँ भी जाएंगी मैं साथ जाऊंगा और उसे लेकर कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। वो अगर किसी पागलपन की सनक में वो अपना सूटकेस संभालने लगा। मुझे तैयार रहना चाहिए, क्या बच्चों की तरह हरकतें करते हो? जानते नहीं हो यह ऊंचे घराने के बिगड़े हुए आदमी का घर है। मैं उसे समझाना चाहता था, अगर ये लड़कर अलग भी होंगे तो बड़े कायदे से। पति घर में बैठा बैठा देखता रहेगा और कुंती अपना सामान तैयार करेगी, अपनी मांग में चलते समय सिंदूर भरेगी, श्रृंगार करेगी। उसका पति उसे रुपए देगा,
हो सकता है वो गुस्से में रुपए न ले। फिर टैक्सी आएगी और एक नौकर साथ जाकर उसे घर तक छोड़ आएगा और इसके बाद वे बगैर एक दूसरे के लिए रोए हुए एकदम अलग अलग हो जाएंगे। न वो आएगी न यह बुलाएगा। उसकी ओर देखकर मैंने बात पूरी की, पहले जो टैक्सी आई थी वो इसीलिए आई होगी। मैं कह ही रहा था कि कुंती का पति नीचे बरामदे में दिखाई दिया। उसके कपड़े मलगूजे और अस्त व्यस्त थे। तेजी से वो इधर वाले दरवाजे पर आया और खोलकर बाहर गली में निकल गया। चलने से पहले उसने दरवाजे पर ताला लगाया और गुस्से में गली पार करके सड़क की ओर मुड़ गया। वैसे वो कभी भी इस पीछे वाले दरवाजे से नहीं जाता था, पर वो मुंह बचाकर निकल जाना चाहता था। 10 मिनट बाद ही टैक्सी फिर आई। गली के नुक्कड़ पर उसे रोककर वो धड़धड़ाता हुआ आया और ताला खोलकर भीतर चला गया। भीतर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाजा खोलकर सामान आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। वो बेहद गुस्से में था। दौड़ा दौड़ा ऊपर गया। एक क्षण बाद कुंती को बाह से घसीटता हुआ लाया और चीखा, जो भी तेरा सामान हो उठा ले और मुंह काला कर। कुंती बाल बिखेरे हुए गुस्से से भरी चुपचाप देखती रही। चंद्रनाथ कब उतरकर नीचे गली में चला गया यह मैं नहीं जान पाया। वो गली में तेज कदमों से चक्कर काट रहा था। हर क्षण ऐसा लगता था कि वो अभी तूफान की तरह कुंती के घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेगा, किस तरह पेश आएगा, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुंती चीखी, यह घर मेरा है, इसकी ईंट ईंट मेरी है, तू चला जा यहाँ से और फिर कभी इधर कदम रखने की जरूरत नहीं है। दांत पीसकर उसका पति पास पड़ी एक लकड़ी से उस पर वार करते हुए चीखा, बड़ी आई है मकान वाली, निकल जा यहाँ से, एक टिंका तेरा नहीं है, मैं इसे बेचूंगा, रेहन रखूंगा, इसे खंडहर कर दूंगा तुझसे मतलब, चली जा यहाँ से। और फिर जो दृश्य सामने आया वो भीषण था। पागलों की तरह रोती हुई कुंती चीखी, मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं है, टिंका भी नहीं है। वो आदमी उसे मारता हुआ चीख रहा था। बड़ी ही कातर आवाज में कुंती रो पड़ी, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, सब बिगाड़ दे, तेरा सब छोड़ जाऊंगी, सब छोड़ जाऊंगी, छोड़ जा, सब उतार कर रख दे, एक एक चीज उतार दे। और कुंती ने एक एक जेवर उतार कर आंगन में फेंक दिया। चलने के लिए जो चप्पल पैर में डाली थी वो भी झटक कर एक और फेंक दी। वो खड़ा हुआ होंठ चबाता हुआ सब देख रहा था और कुंती शरीर की एक एक चीज उतार कर फेंकती जा रही थी। कांच की चूड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर आंगन में बिखर गईं। वो सचमुच पागलपन की सीमा तक पहुंच गया था। बस एक ही बात उसके मुंह से निकलती थी, सब उतार दे, सब उतार दे। और उत्तर में अपने बदन की एक एक चीज फेंकते हुए कुंती चीख रही थी, ले ले, तेरी एक चीज जो इस बदन पर रहने दून। इतनी चीख पुकार और भयंकर वातावरण के बीच बड़ी ही मनहूस खामोशी छाई सी लगती थी। मैं हतबुद्धि सा खड़ा रह गया और गली में चंद्रनाथ वहशियों की तरह चक्कर काटता हुआ लगातार घूम रहा था। उसके कदमों से गली गूंज रही थी, पर उस गूंज में दहशत भरी थी, कहीं कोई खून न हो जाए। अब कुंती दरवाजे के बाहर पैर रखने ही वाली है और चौखट के बाहर कदम रखते ही चंद्रनाथ उसे बाज की तरह दबोच लेगा। देहरी से बाहर आते ही उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, यही तो कह रहा था चंद्रनाथ। हो सकता है चंद्रनाथ और कुंती दोनों ही उसके पति के हाथों मारे जाएं। उस पर खून सवार है और चंद्रनाथ पर पाश्विक वासना। मैं तुझे नंगी करके निकालूंगा, कुंती का पति क्रोध से कांपता हुआ चीख रहा था। तू मुझे जलील करना चाहती है, तुझे जलीलों की तरह गली में न निकाला तो अपने बाप का नहीं। उतार साड़ी, ये तेरे बाप ने दी है, उतार साड़ी, निकल। और अब कुंती का पैर चौखट पर था, अभी एक कदम भीतर है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उस संगमरमरी शरीर पर सिर्फ एक साड़ी है। वो अपनी बाहें छाती पर भींचे हुए हैं। एक कोर की साड़ी खुलकर लटक गई है और उसकी चोट खाई पिंडलियां गाजर के गूदे की तरह चमक रही हैं। चंद्रनाथ लपक कर कुछ कदम आगे बढ़ाया। वो चीते की तरह उछलकर झपटना ही चाहता था कि ठिठक गया। कुंती के कदम अपनी देहरी पर अटक रहे हैं। वो बुरी तरह कांप रही है और बदहवास सी चारों ओर देख रही है। उसने छाती पर अपनी बाहें और भी कड़ी कर ली हैं। पैर के फूटे हुए अंगूठे से खून बहाया है। क्रोध के आवेश में उसके पति ने उसे एक धक्का दिया और अटकता हुआ पैर संभालती हुई वो हाथों के बल जमीन पर आ गिरी। साड़ी का पल्ला छाती से सरक गया और उसका आधा शरीर नंगा हो गया। चंद्रनाथ पत्थर की मूरत की तरह निश्चल खड़ा आंखें फाड़े देख रहा था।
उसके पैर जड़ हो गए थे। कुंती संभल कर एक क्षण में उठी और गली में उतर गई। लपक कर उसके पति ने घिसटती हुई साड़ी का पल्ला पैर से दाब लिया और चिल्लाया, इसे भी उतार कर जा, इसे भी। कुंती ने आग उगलती आंखों से उसे ताका, उतार दूं? उतार दे, चली जा। दोनों पसीने से लथपथ आग में चलते हुए कांप रहे थे। चंद्रनाथ को काट मार गया था और एक क्षण बाद ही कुंती ने कमर से साड़ी खोलकर वहीं छोड़ दी और एक भयानक चीख मारकर वहीं घुटनों में अपना मुंह और छाती दबाकर निस्तब्ध हो गई। उसके बाल आगे पीछे बिखर गए थे। संगमरमर सा वो शरीर एकदम अनावृत था। सिर्फ कुंती की भयंकर पुकारें और दिल को चीरता हुआ रोने का सुनाई पड़ रहा था। चंद्रनाथ बाज की तरह झपटा, यह क्या किया, और उसने अपनी कमीज उतार कर उसके सिर और मुड़ी हुई टांगों पर रख दी। उसके हाथ बेतरह कांप रहे थे, जैसे कुंती के शरीर का स्पर्श होते ही झुलस जाएंगे। वो कमीज भी ठीक से उसके तन पर नहीं रख पा रहा था। न जाने कैसी आग की लपटें तन से फूट रही थी कि चंद्रनाथ चौंक चौंक कर अलग हो जाता। उस बदहवासी में मैंने पास पड़ी खाट की दरी खिड़की से नीचे फेंक दी। चंद्रनाथ थरथराता हुआ हकला हकला कर बोल रहा था, इससे ढक लो, इससे ढक लो। और पागलों की तरह कुंती जोर जोर से सिर हिलाकर नहीं नहीं करती जा रही थी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, इससे ढक लो, कहते हुए चंद्रनाथ ने वो दरी उसके ऊपर डाल दी। एक झटके में कुंती ने उसे फेंक दिया। मैं उतरकर नीचे पहुंच गया था। गली में बढ़ती हुई भीड़ देखकर चंद्रनाथ के हाथ पैर फूल आए थे। तू हट जा, तू हट जा, कुंती जोर से चीखी। चंद्रनाथ की समझ से सब बाहर हो गया था। बुरी तरह छटपटाता हुआ बोला, माँ तुझे अपने बेटे की कसम, ढक ले माँ। और कोई रिश्ता उसकी समझ में नहीं आया था। यही तो आखिरी रिश्ता रह जाता है जिससे गैर भी अपना हो जाता है। और उस दरी से ढंक कर उसने कुंती को गठरी की तरह उठाकर दरवाजे के भीतर लुढ़का दिया। बाहर से सानकल चढ़ाकर वो विक्षिप्त की तरह दौड़ा हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की की चिड़कनी चढ़ाकर मुर्दे की तरह खाट पर पड़ रहा। पड़ा पड़ा वो घंटों रोता रहा। बहुत मनाया पर वो चुप न हुआ। उस दिन से बात बात पर उसकी आंखें भर आती हैं। उसकी आंखों में हर समय बादल मदराते रहते हैं। न मजाक सह पाता है न हंसी, बात बात रो पड़ता है। मुझसे कहता है, कमरा बदलो, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। इस कहानी में बस इतना ही। दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तथा इसी तरह की और स्टोरीज और ऑडियो बुक्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।